ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 6 दिसंबर से शुरू हो रहे जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय हॉकी टीम के युवा खिलाड़ी तैयार हैं। हालांकि टीम जिस पूल में है उसे काफी कठिन माना जा रहा है, बावजूद इसके कोच और कप्तान को भरोसा है कि उनकी टीम इस वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन करेगी। छह दिसंबर से शुरू हो रहे जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय हॉकी टीम की तैयारियां जोरों पर हैं। वर्ल्ड कप के लिए इस टीम की कमान मिडफील्डर मनप्रीत सिंह को दी गई है। आपको बता दें कि मनप्रीत की ही कप्तानी में भारत ने इस साल सुल्तान जौहर कप अपने नाम किया था। इस टीम में ज्यादातर उन्हीं खिलाड़ियों को रखा गया है जिन्होंने भारत के लिए सुल्तान जौहर कप और सीनियर एशियन चैंपियनशिप खेली थी। टीम इंडिया ने जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब 2001 में जीता था। टीम की रणनीति के बारे में कप्तान मनप्रीत का कहना है कि वो मैच दर मैच विरोधी टीम की स्ट्रेंथ को देखकर अपनी रणनीति बनाएंगे। जैसे कि इंडिया के नॉर्मल देखा जाए तो काउंटर अटैक और डिफेंस काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे कि हमारी टीम में काफ़ी अच्छे फॉरवर्ड्स हैं, रमनदीप हैं, मालक सिंह हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं। और मैं देखता हूँ कि हमारा काउंटर अटैक ज़्यादा बेटर रहेगा इस जूनियर वर्ल्ड कप में। मैं ऐसा कुछ वादा नहीं कर सकता, बट हमारा ऐसा है कि हम मैच बाय मैच जा रहे हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट मैच पहले हॉलैंड के साथ है, बट हमारा एम है कि हम टॉप 4 में पहुँचे। भारतीय हॉकी टीम पूल सी में है और ये पूल बाकी के 3 पूलों से ज्यादा कठिन पूल माना जा रहा है। भारतीय टीम के अलावा इस पूल में नीदरलैंड, कोरिया और कनाडा की टीमें हैं। भारतीय टीम अपना पहला मैच 6 दिसंबर को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। टीम के कोच बलजीत सिंह का मानना है कि भले ही उनकी टीम एक मुश्किल पूल में हो, लेकिन उन्हें अपने युवा खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने ये भी साफ कहा कि वो मैच दर मैच टीम की रणनीति तैयार करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी इच्छा जताई है कि भारतीय टीम सेमीफाइनल तक का सफर जरूर तय करे। वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में कोई भी आसान मैच नहीं होता है, सब टफ मैच होते हैं, लेकिन यस, हमारा पूल कंपैरेटिवली दूसरे पूल से थोड़ा सा टफ है इन टर्म्स ऑफ हमारा पहला ही मैच जो भारत जो कि दुनिया की दिग्गज टीम है हॉलैंड के साथ है, उसके बाद कोरिया के साथ है और उसके बाद कैनेडा भी दुनिया की अच्छी टीम्स में से है। तो यस, हमारा पूल थोड़ा सा टफ है, लेकिन हम लोग प्रिपेयर्ड हैं और हम लोग वन मैच एट अ टाइम लेंगे और अगर हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, अपने पोटेंशियल से खेले, तो हमें काफ़ी उम्मीद है। देखिए, हमारा जो फर्स्ट टारगेट है, मैंने आपको बताया कि वन मैच एट अ टाइम हम लेना चाहते हैं। हम लोग अभी सिर्फ हॉलैंड वाले मैच पे फोकस कर रहे हैं और उसके बाद कोरिया के साथ, लेकिन यस, हमारा टारगेट है कि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें और इस टूर्नामेंट में पोडियम फिनिश करें। वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई इस टीम में करीब करीब वही खिलाड़ी हैं जो पिछले एक साल से एक साथ खेलते चले आ रहे हैं। ऐसे में इस बात पर कोई शक नहीं है कि इन खिलाड़ियों में तालमेल काफी बेहतर होगा और इसका नतीजा मैच पर अच्छा दिखाई देगा। उम्मीद है कि भारतीय जूनियर हॉकी टीम इस वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करेगी और अपनी सरजमी पर यह खिताब जीतने की कोशिश करेगी। खबर भारती के लिए दिल्ली से कैमरामैन गणेश के साथ विभोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारतीय जूनियर हॉकी टीम पर हॉकी इंडिया के महासचिव नरेंद्र बत्रा ने भी अपना भरोसा जताया है। उनका मानना है कि भारतीय जूनियर हॉकी टीम इस समय बेहतर फॉर्म में है और टीम को मेजबान होने का फायदा जरूर मिलेगा। टीम के जुड़े और मुद्दों पर उनसे खास बातचीत की हमारे खेल संवाददाता विभोष श्रीवास्तव ने। आइए देखते हैं क्या कहना है हॉकी इंडिया के महासचिव का। हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र जी, हम आइए उनसे बात करते हैं जो है क्या कहना है इनके बारे में। नरेंद्र सर, आपसे एक सबसे बड़ा सवाल, जो आपने टीम अनाउंस की है, कितने सेटिस्फाइड हैं आप उनसे? हम पूरा देख, टीम तो सिलेक्टर और हमारे कोच और जो हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर है वो सिलेक्ट करते हैं, दे आर फुली सेटिस्फाइड। और तो टीम के मोरल से भी मुझे लग रहा है कि अच्छी ब्लेंड हुई है टीम और कॉन्फिडेंट है काफ़ी। जी, जिस तरीके से देखा है टीम में आपने, एक्सपीरियंस और युवा दोनों ही को प्रेफरेंस दी है, तो और पिछले भी टूर्नामेंट्स हमने देखे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो इस बार हम क्या उम्मीद करें अपनी हॉकी इंडिया टीम जो वर्ल्ड कप जा रही है खेलने? नहीं, जो जूनियर प्लेयर थे हमारे, हमने उनको कोशिश की है कि पिछले एक साल में जूनियर के साथ ब्लेंड करके एंड देन लास्ट में पिछले 2-3 महीने से हमने जूनियर टीम को ही भेजा है सारी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने के लिए, ताकि इनको एक एक्सपोजर एक्सपीरियंस मिले और जिससे ये जो अब जूनियर टूर्नामेंट है, जूनियर वर्ल्ड कप, उसमें कॉन्फिडेंस से खेल सके।
जी, एज अ होस्ट हमारे भारतीय टीम के पास कितना एडवांटेज रहेगा? नहीं, होस्ट का एक अपना होम क्राउड का और सब चीज़ का एक एडवांटेज तो डेफिनेटली होता है, बट देन एंड ऑफ द डे आपको ग्राउंड पे ही खेलना पड़ता है। वो एडवांटेज तो एक लेवल पे आके रुक जाता है, उसके बाद आपको खुद ग्राउंड पे परफॉर्म करना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस तरीके से हमारे साथ नयन जी मौजूद थे, जिनका साफ कहना था कि टीम जो है काफ़ी संतुलित और बेहतर प्रदर्शन करेगी, उम्मीद करनी चाहिए हमें भी कि जो है जिस तरीके से पहले भी परफॉर्मेंस करती आई है, इस बार भी परफॉर्मेंस करेगी। कैमरामैन गणेश के साथ मैं विभव श्रीवास्तव, खबर भारती, दिल्ली। तो हमारी आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।